होडल पुराना जीटी रोड स्थित पुनहना मोड़ के समीप राजकीय महाविद्यालय होडल के प्रांगण में 27वां वार्षिक महोत्सव एवं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता, प्राचार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद एवं डॉक्टर राजपाल सिंह की प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय के तीगांव रहे। होडल राजकीय महाविद्यालय होडल के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ओझा ने मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता एवं डॉक्टर राजपाल को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता एवं राजकुमार ने सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करके वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ किया। राजकीय महाविद्यालय होडल के छात्र एवं छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृष्ण गोपाल एवं प्रीति ने एकल हरियाणवी नृत्य, बीएससी थर्ड ईयर से सुमन ने भाषण प्रतियोगिता, बीए फर्स्ट ईयर से मधुबाला ने कविता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय होडल के छात्र एवं छात्राएं मधुबाला मोहम्मद, सीमा कविता बिट्टू ने हरियाणवी किट की प्रस्तुति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। राजकीय महाविद्यालय बीए फर्स्ट ईयर के छात्र रोहित सौरोत ने हांसी में संपन्न हुई राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग में प्रथम स्थान एवं गोल्ड मेडल प्राप्त किया। साथ ही नरेश रावत, जो कि सत्र 2017 से 2020 तक 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में बेस्ट एथलीट रहे, मुख्य अतिथि ने उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया। राजकीय महाविद्यालय होडल के जिन छात्र छात्राओं ने वार्षिक महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, उन सभी को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। वार्षिक महोत्सव के उपरांत दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के 76 पूर्व छात्र एवं छात्राओं को मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता व राज्यपाल के द्वारा डिग्री प्रदान की गई। मुख्य अतिथि ने अपने संदेश में सभी छात्र एवं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी शिक्षा भी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि दीक्षांत समारोह आगे की पढ़ाई की शुरुआत है। उन्होंने सभी को बताया कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसके बाद पीएचडी की पढ़ाई करके अपना करियर विभिन्न क्षेत्रों में भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको विदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सारी सुविधाएँ हमारे देश में उपलब्ध हैं। राजकीय महाविद्यालय होडल के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ओझा जी ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को तुलसी का पौधा देकर उनका आभार व्यक्त किया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर सत्य प्रकाश ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि, मीडिया बंधु, समस्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ सभी का धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस महाविद्यालय के विकास में और हर तरह से आप महाविद्यालय के साथ रहे हैं और आपने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। और जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसके अंदर पहले तो हमारा जो वार्षिक वितरण समारोह होता है उस और आयोजित किया गया है, इसके पश्चात अब डिग्री कन्वोकेशन फंक्शन किया जाएगा। और मैं महाविद्यालय परिवार साथ साथ डॉक्टर अनिल ओझा जी प्रिंसिपल और उनके साथी सभी स्टाफ टीचिंग और नॉन टीचिंग का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य जो आयोजित किया गया है और लिया है। इसमें जो काफ़ी वर्षों से ये पेंडिंग चल रहा था और इनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हुआ। सर, मैं उन सबको भी बधाई दूँगा। सर, जो आपने अपनी जेब से बच्चों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया है, किस उद्देश्य से किया है? सर, मेरी जेब से नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरकार का ही है। सरकार हमें सैलरी देती है और उसी में से ही मैं भी एक विद्यार्थी के तौर पर ही अपने आप को समझता हूँ। और विद्यार्थी के तौर पर समझते हुए मैं आने वाले विद्यार्थियों के विकास के लिए ये जो बीकॉम फाइनल ईयर का जो टॉपर है और बीए फाइनल ईयर का जो टॉपर है और बीएससी फाइनल ईयर के टॉपर है, उसके लिए मैं अपनी दादी जी के नाम से ये प्राइज मैं पहले भी देता रहा हूँ। 1100 रुपये का प्राइज था। दादी श्रीमती निहाली देवी जी, जिन्होंने हमें पालन पोषण करके हमारा पालन पोषण किया और इस लायक बनाया, तो उनके ही आशीर्वाद से ये सब कुछ है। और हमारे जो पिताजी हैं, माताजी हैं या सभी के, तो यहाँ पर जो दादी जी के नाम से शुरू किया गया था, पहले 1100 रुपये का था, अब महंगाई को देखते हुए 2100 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को किया है। तो सर, जैसे कि